दोस्तों यदि आप धोनी को दुनिया का सबसे जबरदस्त विकेट कीपर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका को 88 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। कप्तान रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के ताबड़तोड़ छक्कों के दम पर भारतीय टीम ने एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पर धुआंधार शतक बनाया। इस वजह से बल्लेबाजी के दौरान मैच का केंद्र बिंदु वही बने रहे। हालांकि जब फील्डिंग की बारी आई तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने हाथों का कमाल दिखाया और अपनी विकेटकीपिंग से सबको स्तब्ध कर दिया। श्रीलंका की पारी के दौरान असिला गुनारत ने नए नए बल्लेबाजी के लिए आए थे। 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने उनको एक गेंद डाली जिस पर वो बीट हो गए और पीछे से महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। ये स्टपंगी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों को पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जब धोनी ने स्टंप्स बिखेर कर सेलिब्रेट करना शुरू किया तब अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया। हालांकि धोनी ने जिस तरह से इशारा किया उसे देखकर यही लग रहा था कि बल्लेबाज आउट है, और हुआ भी ऐसा ही। रिप्ले में गुनारत ने का पैर क्रीज से थोड़ा सा पीछे था और धोनी ने उतने ही देर में उनको स्टंप आउट कर दिया। वहीं युजवेंद्र चहल की गेंद पर भी उन्होंने शानदार स्टंपिंग की। धोनी के दोनों स्टंपिंग का वीडियो साझा करते हुए BCCI ने लिखा, एक बार फिर स्टंप्स के पीछे धोनी ने दो शानदार स्टंपिंग की। एक फ्लैश में धोनी की दोनों स्टंपिंग हैं।